गौतम बुद्ध का जन्म पाँच सौ तिरसठ ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से आठ मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास स्थित था कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के सात दिन बाद निधन हो गया था उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया जिसका अर्थ है वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा शुदोधन ने पांचवें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और आठ ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थेरावदा देशों में मनाया जाता है सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है घुरदौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की